गुड मॉर्निंग जनाब, अभी नेक्स्ट डे है और अभी एक घंटा नहीं, करीब 45 मिनट हो गए मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि लैपटॉप दिए मैंने रिपेयर करने के लिए, और बंदे ने कहा था कि शाम को ले जाना 8 बजे। मैंने कहा मैं तो शॉप जो है 7 बजे बंद करता हूँ, वैसे मैं जल्दी चला गया था घर, लेकिन यह कि मैं फिर कल ही आऊँगा। तो मैंने कहा शॉप किस वक्त ओपन होती है, 10 बजे के बाद आप किसी टाइम भी आ जाओ। 10 तक के अभी क्या टाइम हो चुके हैं, 10:40 हो गए। तो एक तो ये कि यहाँ पे जो है ना पार्किंग जो है ना वो पे करनी पड़ती है, मैंने पे किए हुए। अभी 10 मिनट और देखता हूँ मैं, बंदे की शॉप जो है ना वो अभी तक बंद, वो सामने शॉप ही बंद है वो अभी तक। धूप जो है ना बहुत तेज है, गर्मी लग रही है अभी। तो लेट्स सी, 10 मिनट वेट करते हैं। मैंने मैसेज भी किया है, बंदे ने मुझे व्हाट्सअप दिया था, मैं नंबर डिलीवर नहीं हो रहा और ना ही बंदा कॉल पिक कर रहा है। फर्स्ट टाइम जो है ना मेरा यहाँ पे मतलब किसी भी तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक जो है ना वो रिपेयर करने का एक्सपीरियंस है। जो ये शॉप है ना ये मैंने गूगल पे ढूंढी है कि कहाँ पे मोबाइल ऐसे लैपटॉप रिपेयर की शॉप है, काफी सारी और भी थी लेकिन ये रस्ते में पड़ती थी, मैंने यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे ले आया। लेट्स सी क्या कर, प्लीज रिपेयर तो कर दे। अभी ये मेरा तीसरा राउंड है, टाइम हो चुके हैं 2:15। अभी मैंने जाना था दानिया को लेने के लिए, दानिया आज घर में थोड़ी सी तबीयत उसकी ख़राब है तो डॉक्टर के पास लेके जाने, तो आए तो काम शाम ऐसे ही किए, बस टाइम पास करता रहा हूँ। 3 चक्कर मैंने यहाँ पर लगा लिए लैपटॉप को चेक करने के लिए। तो अभी दोबारा मैं जा रहा हूँ लैपटॉप चेक करने के लिए, बंदा ना फ़ोन उठा रहा है ना व्हाट्सअप पर मैसेज कर रिप्लाई कर रहा है, तो शॉप बंद है। ऐसा लगता है कि बंदा लैपटॉप लेके ना चला गया। तो लेट्स सी, अगर शॉप खुली हुई तो फिर तो देखते हैं क्या करते हैं बंदे के साथ। अभी स्कूल की छुट्टी का टाइम है, थोड़ा सा रश आवर है। ओके जी, यहाँ पे शॉप है तो ये देखें अभी तक बंद है शॉप इसकी। तो भाई अभी मुझे डर लग रहा है क्योंकि लैपटॉप जो है ना, लैपटॉप जो है वो हवावे का लैपटॉप है, तकरीबन 15,000 से 20,000 मेक्सिकन पैसों यानी कि 700 US डॉलर के। तो बंदे जो है कल लैपटॉप दिया और गायब हो गए। अभी मुझे वापस आना है डॉक्टर के पास, और शाम को अगर टाइम मिलता है तो दोबारा चक्कर लगाते हैं, ना मिला तो फिर कल देखते हैं। अभी अगर मैंने वाइफ को बताया ये हाल है ना, तो वाइफ ने फिर मुझे क्लास ले लेनी है भाई कैसे बंदे को लैपटॉप दिए। ओके जनाब, अभी हम वापस आ गए हैं, दानिया को डॉक्टर के पास लेके गए हैं। दानिया अभी जो है वो पार्क में खेल रही है बच्चों के साथ, और मैं जो है ना अपना खाना खा रहा हूँ। ये खाना यहाँ पे, क्योंकि बाहर हमारे पास ऑप्शन नहीं है खाना खाने का। हेलो, तो यहाँ पर मैंने कुछ चिप्स वगैरह लिए और साथ में कोक लिए, भूख लगी हुई है। आपको बताया था कि हम 2 बजे चला गया था घर को, लेकिन खाना नहीं खाया। दानिया को लेके आए डॉक्टर के पास चेकअप किए, और दानिया अभी खेल रही है वहाँ पे। अभी जाना है दोबारा लैपटॉप वाले के पास, चेक करते हैं कि मिलता है नहीं लैपटॉप आज। तो यहाँ पे ना इस तरह शाम को लोग जो है बाहर निकलते हैं या बच्चे स्कूल से छुट्टी करते हैं, तो ये देखें इस तरह के ना ये कॉर्नर पार्क हैं, हर जगह पर बने हुए हैं। हर तकरीबन 3-4 किलोमीटर के बाद इस तरह के पार्क आपको मिलेंगे जहाँ पे बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और खाना वगैरह खा सकते हैं। सर देखें कितनी खूबसूरत बनाई हुई है, तो इस तरह की फैसिलिटी बच्चों के लिए ना हर जगह मिलती है, स्पेशली इस टाउन में, हर एक टाउन में नहीं इस टाउन में है। पे ना बच्चों के लिए देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की कारपेट डाली हुई उन्होंने, इस तरफ देखें कितनी कलरफुल है। और मज़े की बात आपको बताऊँ, यहाँ पर ना कुत्तों के लिए भी है पार्क। ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया जो है ये कुत्तों के लिए, कि आप अपने कुत्तों को लाएँ ना और यहाँ पे उन्हें खिलाएं, एक्सरसाइज करवाएं। तो ये देखें ये जगह बनी हुई है, और वो सामने जो है एक बड़ा मशहूर यहाँ का जो है ना चर्च है, पता नहीं क्या नाम है लेकिन बड़ा फेमस है यहाँ का। तो ये सेंटर है थोड़ा सा साइड पे ये एरिया, लेकिन देखें कितनी साफ सुथरी जगह पार्क, देखें इस तरह होते हैं। ओके जनाब, आज तीसरा दिन है लैपटॉप के दिए हुए, और अभी दोबारा मैं चेक करने के लिए अभी शाम के टाइम में घर जा रहा था। और मज़े की बात यह है कि शॉप तो खुली हुई है, देखते हैं कि बंदे ने लैपटॉप जो है वो रिपेयर किया है कि नहीं। कितना खूबसूरत मंजर है यहाँ पे देखें। जी मिले तो लैपटॉप जो है ये वाला लैपटॉप है हवावे का, तो
तो ये इसका मसला था चार्जिंग का, लेकिन अभी मसला वो ये कि बंदे ने कहा है कि उन्होंने ट्राई किए रिपेयर करने की लेकिन रिपेयर हुआ नहीं है। तो अभी वो कह रहे हैं कि इसका जो चार्जिंग पोर्ट है ना वो नहीं मंगवानी पड़ेगी और इसके लिए तकरीबन 2 से 3 दिन लगेंगे। अगर आपने मंगवानी है तो मुझे व्हाट्सएप पे बता दें, मैं मंगवा लूँगा और फिर उसको रिपेयर करते हैं, चेंज करते हैं उसको। तो अभी कुछ भी नहीं किया उसने, 2 दिन वैसे ही रखा रहा है, पता नहीं ओपन भी किया कि नहीं। एनीवे अभी चेक करते हैं किसी और बंदे के साथ और रब्ता करते हैं, अगर रिपेयर होता है नहीं तो फिर इसी को बताते हैं कि फिर नया जो चार्जिंग पोर्ट है उसकी ना वो मंगवा लें, देखते हैं क्या होता है। ओके जी, दूसरे बंदे के पास गया जी, उसका भी सेम ही है, उसने कहा है कि आप यहाँ पे लैपटॉप रखें, आज फ्राइडे है तो आपको चेक करके मंडे को बताएंगे कि क्या इसमें फॉल्ट है। तो अगर चेंज करना हुआ इसका जो चार्जिंग पोर्ट है तो वो फिर उसके 5 दिन लगेंगे, 5 दिन के बाद हमें वो क्या कहते हैं जो रिफ्लेक्शन जो उसका पोर्ट है वो हमें मिलेगा, तो फिर हम चेंज करके दो। तकरीबन सेम ही कास्ट उसने बताइए 1500 मैक्सिकन पैसो, तो ऑलमोस्ट यानी कि 60-70 US डॉलर जो उसकी रिपेयरिंग फीस है। तो अभी देखते हैं लोन मंडे को, देखते हैं क्या करना है। ये है यहाँ का मौसम, कल जो अच्छी खासी जो है गर्मी पड़ रही थी और आज देखें मौसम कैसा है। तो फरवरी ना क्रेजी मंथ है यहाँ पे। अभी शॉप मैंने बंद की है, बंद नहीं की बल्कि अभी एक साइड बंद की हुई एक साइड ओपन है। तो एक पैकेट था वो मैंने लेके जाना था फेडेक्स, तो गाड़ी से मैंने पार्क किया और अभी मैं भूल गया मैंने पार्क कर रखी है। इसमें यहाँ पर मुश्किल होता है पार्किंग जो है ना बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि सेंटर के करीब करीब है ना, तो जितनी भी फ्री पार्किंग है ना जहाँ पर ये वाइट लाइन होती है ये फ्री होती है, तो वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होती है। और जो बिल्कुल सेंटर में है वहाँ पे ब्लू लाइन से यानी आपको वहाँ पे पार्किंग पे करनी पड़ती है, तो फ्री पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल होती है। अभी मुझे सही तरह से याद नहीं मैंने गाड़ी पार्क कहाँ पे की है, तो ये मेरा तीसरा चक्कर है ना मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। और अभी मुझे लगता है ना इसी गली में ओरिएंटे दीएस, हाँ यहाँ पर भी नहीं है, अभी दूसरे कारनर में जाके देखते हैं। ये जो ब्लू बिल्डिंग जो है ना ये स्कूल की बिल्डिंग है, आई थिंक वहाँ पे ना कॉर्नर में मैंने पार्क की हुई है। तो शॉप मेरी जो है ना वो सीधी इसी गली से सीधा जाए ना, सीधा सीधा शॉप है। तो मैं 3 चक्कर लगा के ना अभी फिर इस जगह पे आया हूँ, तो आई होप हाँ बिल्कुल नज़र आ गई अभी। ये है रेड कलर की कार जो है ना अपनी, तो स्कूल की जो है ना बिल्डिंग है ये गवर्नमेंट स्कूल है, तो इसकी बैक साइड मैंने पार्क की यहाँ पे। ये देखें ये अपनी गाड़ी मिल गई। और आज जो है ना वैलेंटाइन डे, तो यार मेक्सिको में ना वैलेंटाइन डे जो है वो सिर्फ मतलब कपल्स में नहीं होता, वैलेंटाइन डे जो है ना वो आप फैमिली फ्रेंड जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे भी आप गिफ्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, फ्लावर दें, क्या हो गया हाँ जहाँ पे आप काम करते हैं ना आपके जो कोलीग्स होते हैं उन्हें भी आप गिफ्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, फ्लावर दें या कोई भी चीज़ चॉकलेट वगैरह दे दें। तो मतलब एक प्यार मोहब्बत की ना जो एक स्टोरी है, प्यार मोहब्बत की जो रिलेशन है जहाँ पर ना दोस्तों में भी हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है, मतलब वालदेन को आप दे सकते हैं, बहन भाइयों को, तो ये उस तरह का यहाँ पे कल्चर है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना तो वो बस वही गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला, बस क्या करें पाकिस्तानी हमारा दिमाग जो है ना वो एक क्यूब की तरह है, जो हमारी सोच है ना वो बहुत छोटी है। तो एनीवे देखते हैं अभी कुछ फूल शूल लेते हैं वाइफ के लिए, खुश हो जाए मेरा दिल नहीं करता बस मतलब देने का, लेकिन क्या करें अभी कल्चर है करना पड़ता है। यार बड़ी जो है ना रश है इस वक्त, शाम का टाइम है और लोग जो है ना वो हर दूसरा बंदा जो है ना उसके हाथ में फूल लिए हुए हैं या कोई गिफ्ट वगैरह लिए हुए हैं। तो मैं शॉप अभी बंद किए तो सोच रहा था सेंटर की तरफ जाऊँ, टाउन की तरफ, वहाँ पे मार्केट है पूरी फूलों की, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो अभी देख रहा हूँ कि यहाँ पर सिग्नल पर भी ना अक्सर सेल करते हैं आज के दिन, लेकिन कोई मिल नहीं रहा अभी तक, लेट्स सी कहाँ से मिलता है हमें आज फूल।
ना ना करते अभी ना, हम दोबारा सेंटर की तरफ आ गए क्योंकि उस तरफ ट्रैफिक ज़्यादा थी। तो अभी यहाँ सामने जो है ना ये चर्च है, इसकी बैक साइड पे जो है ना वो फ्लावर मार्केट है। बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है, तो अभी यहीं से सामने से कोई यहाँ पे पूरी मार्केट है लेकिन टाइम नहीं है अभी, तो जो भी सामने नज़र आते हैं ना उठाते हैं वहाँ से और निकलते हैं। बोलो अच्छे कौन तो है ¿Alguno más barato? Es lo más barato que tengo, amigo. ¿Cuánto es? 3.50. बड़े महंगे 350 का एक गुलदस्ता दे रहे हैं। तो ये सामने जो है ना ये मार्केट है और इसकी बैक साइड पे सारी मार्केट है। तो अभी यहाँ पे चेक करते हैं। ¿Blanquita? बड़े महंगे, बहुत ही महंगे। वाइफ के लिए रखे लेते हैं, फूल से काम हो जाएगा। कौन तो इसमें मेनस ऐसे 450, 450. ¿Eso menos? Dame 400, ahí vale, 2000. 350 está bien. ¿Eh? 350. Voy a llevar uno de este. 40. Págame todo para que sea todo completo, para que no. Ahí voy. Que está aquí abajo. ¿Contado? Son 3.50 y 4.40. जो है ना ये सारी फूलों की शॉप है, तो सिर्फ पूरी मार्केट है यहाँ पे। अरे मैंने ये उठा लिए और एक ये वाला, जिसने घर में पड़ा रहेगा खूबसूरत लगेगा, तो ये वाइफ को दे देते हैं। तो ये आता है वैलेंटाइन, बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। जी वाइफ का जो है ना रिएक्शन चेक करते हैं छोटे से फूल के साथ। थैंक यू, हैप्पी। भाई इतना सा काम था बनने का, छोटा सा एक फूल लेना था लेकिन टाइम बहुत लगे। तो दूसरा वाला जो फूल है ना वो वाइफ ने मंगवाया था अपनी वालदा के लिए, तो वो भी उन्हें दे दिए, बहुत पसंद आया उन्हें। बस हो गया वैलेंटाइन डे। मैंने आपको बताया ना यहाँ पे ना मतलब फैमिली के दरमियान, फ्रेंड्स के दरमियान, कोलीग्स के दरमियान आप फ्लावर शेयर कर, फ्लावर नहीं आप चॉकलेट वगैरह कोई छोटा मोटा गिफ्ट आप शेयर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट, तो ये नहीं है कि जस्ट आप कपल के नहीं क्या कर, पाकिस्तान में इंडिया में कॉन्सेप्ट होता है मोहब्बत शेयर करें। हमारे लिए तो सारा साल जो है ना मोहब्बत शेयर करने का दिन होते हैं, मोहब्बत शेयर करने के दिन होते हैं वालदेन के लिए, बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए। तो लेकिन ये आपको पता है एक तरह का कल्चर बना हुआ है, और यहाँ पे स्पेशली जो है ना मेक्सिको में जो भी ओकेजन होता है, जो भी इस तरह के दिन होते हैं ना, उसको मतलब बड़े अच्छी तरह उसको सेलिब्रेट किया जाता है और मैं तो इन्जॉय करते हैं। डजेंट मैटर कि क्या इसके मायने है या क्या इसकी हिस्ट्री है, बस एक दिन है सेलिब्रेट करने। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।